हेलो गाइस, मैं सालू और स्वागत है आपका मेरे चैनल सालू ब्यूटी एंड फैशन में। मैं यहाँ पे ब्यूटी रेमेडीज और फैशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ हिंदी में। मैं यहाँ पे वीकली 3 times वीडियो अपलोड करती हूँ। मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं इसी तरह आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फर्स्ट चेकआउट माई वर्क। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ अगेन एक साड़ी रियूज आइडिया लेके आई हूँ। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे आपको बस इमेज के हेल्प से ये बताऊंगी कि आप साड़ी को कैसे डिफरेंट वे में रियूज कर सकते हो। कि क्वेरी का आंसर देना मेरे लिए वही बहुत ज्यादा सी, हमेशा क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली सारी चीजों को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे 3 साड़ी रियूज वीडियोज अपलोडेड है एंड एक पुरानी कुर्ता, उसको आप कैसे रियूज कर सकते हैं उसका भी वीडियो का वो कंटेंट भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत जनों के मेल आते कि नहीं और भी कुछ नया आइडियाज़ चाहिए, तो मैं हमेशा, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आपको सब कुछ स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाऊं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के क्वेरीज का आंसर दे पाऊं। तो आज मैं आपको इमेज के रेफरेंस से दिखाऊंगी कि आप किस तरह से साड़ी को रियूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्टिफ मटेरियल की साड़ी है जिसका कपड़ा बहुत कड़ा कड़ा और खड़ा खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है, तो आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हो इस तरह का स्कर्ट आप बनवा सकते हो। बिकॉज आजकल कैनकेन बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो और लेकिन कैनकेन जब आप लगवाने जाते हो टेलर से तो वो बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग कैनकेन के नाम पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपका कपड़ा स्टिफ है, खड़ा खड़ा कपड़ा है, तो आप इजली इस तरह का स्कर्ट बनवा सकते हो, क्योंकि ये एक कड़ा होने की वजह से एक फूला फूला आपको इफ़ेक्ट देता है। एंड ट्रस्ट में, पहनने के बाद ये बहुत 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 अच्छा लुक देगा आप लोगों को। तो फर्स्ट है कि आप इस तरह का स्कर्ट बनवा सकते हो अगर आपके पास कोई कड़ा या फिर स्टिफ मटेरियल का कपड़ा है। जो सेकंड रियूज आइडिया है, अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जिसका पल्ला बहुत ज़्यादा हैवी है बट आप उसे पहन पहन के बोर हो गए हो, तो आप यहाँ पे इमेज में देखो, आप इस तरह का पेपलेम टॉप के स्टाइल में शॉर्ट अनारकली भी निकलवा सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, इस तरह का लुक बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपके पास इस तरह का कुछ साड़ी है जिसका पल्ला बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप इस तरह का पेपलम टॉप या फिर शॉर्ट अनारकली निकलवा सकते हो। सो दिस इज़ माई सेकेंड साड़ी रियूज आइडिया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो थर्ड साड़ी रियूज आइडिया है, अगर आपके पास कुछ इस तरह की साड़ी है कि साड़ी जो है वो बिल्कुल भी सिंपल है बट उसके जो बॉर्डर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और किसी रीज़न से साड़ी डैमेज हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप बॉर्डर को कटआउट कर लो। ये बहुत ईजी है, आप सीज़र की हेल्प से भी कटआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर वो लेस के फॉर्म में है तो आप उसे खोल लो, कि बॉर्डर अटैच है, उसमें स्विंग किया हुआ है, तो आप उसे नॉर्मली उसकी सिलाइयाँ खोल के उसे आप अलग कर सकते हो। आप उससे क्या करो, उस बॉर्डर के अकॉर्डिंग आपने कपड़ा लेना है और लॉन्ग जैकेट आपने सिलवाना है, और लॉन्ग जैकेट में आपने वो बॉर्डर अटैच कर देने हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हो। मैं यहाँ पे आपको जैकेट इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप अपने मटेरियल को, स्टफ़ को किस वे में यूज़ करना चाहते हो, बट आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि दीज डेज जैकेट्स आर सो मच इन ट्रेंड। अगर आप कुछ अच्छा जैकेट बनवाओगे तो आप उसे मल्टीपल वेज में यूज़ कर पाओगे, विद साड़ीज, विद अनारकलीज, विद क्रॉप टॉप, सो मेनी मल्टीपल वेज। अगर आप कोई अनारकली बनवाते हो या कुछ बनवाते हो, ऑफकोर्स आप उसे भी यूज़ कर पाओगे, लेकिन अगर आप जैकेट बनवाते हो तो वो आप ज़्यादा टाइम यूज़ कर पाओगे। सो दिस इज़ माई थर्ड साड़ी रियूज़ आइडिया।
तो जो 4 साड़ी रीयूज आइडिया है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सी कभी कभी क्या होता है, कपड़ों में दीमक लग जाते हैं या किसी रीज़न से जो साड़ी है वो फट जाती है बहुत लॉन्ग टाइम तक रखे रखे, लेकिन उसका जो एक पोर्शन रहता है वो बच जाता है। तो ऐसे में आप उतने से कपड़े में भी एक पार्टी वेयर कपड़ा तैयार कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है, आपका जो भी फैब्रिक है उससे सिमिलर आपने नेट ले लेना है और नेट का आपने स्कर्ट बनवा लेना है। नेट का अगर आप नहीं बनवाना चाहते हो तो कोई भी ऐसा गॉडी मटेरियल जो थोड़ा या ऐसा कोई भी मटेरियल जो आपको थोड़ा पार्टी वेयर या रीच लुक देता है, उस तरह का मटेरियल ले लो। और उसके बाद जो आपका फैब्रिक बचा हुआ है उसको आपने स्कर्ट के ऊपर में विथ कर्ट्स सिलवा देना है। आपको दोनों तरफ ऐसे कर्व में सिलवाना है। मैं देखिए, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही स्टिच करवाना है। ये आप देखो, ये कितना ज़्यादा ट्रेंडी लग रहा है और आपका एक पूरा कपड़ा इससे तैयार हो जाएगा आपके बचे हुए कपड़ों से। तो प्लीज़ इस साड़ी रीयूज आइडिया को अपनाइए, ये बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद में। सो दिस इज़ माय 4th साड़ी रीयूज आइडिया। जो लास्ट साड़ी रीयूज आइडिया है, अगर आपके पास कोई ब्रोकेट का कपड़ा है या सिल्क की साड़ी है, तो अगर आप, मैं आपको इसमें जॉर्जेट में या फिर किसी और मटेरियल में सजेस्ट नहीं करूंगी। जिसका कपड़ा थोड़ा मोटा है, बहुत ज़्यादा पतला साड़ी, आपको थिन साड़ी नहीं लेना है, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो, आप वैसा साड़ी लो अगर आपके पास है तो। और आप एक फेस कट में जो स्कर्ट आता है, आप उस तरह के स्कर्ट सिलवाओ। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम साड़ी को रीयूज़ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम अपनी साड़ी को एक नया लुक दे। तो आप क्या करो, एक फेस कट में स्कर्ट बनवा लो और ऊपर में एक क्रॉप टॉप बनवाओ। क्रॉप टॉप का जो लेंथ है वो अपने वेस्ट लाइन से थोड़ा नीचे रखो और आप दोनों कपड़े को इस तरह सिलवाओ कि ऐसा लगे कि वो एक दूसरे के साथ अटैच है, वो सेपरेट नहीं है। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आप उस ब्लाउज़ को सेपरेटली कभी भी यूज़ कर पाओगे किसी और साड़ी के साथ में, या उस स्कर्ट के साथ में भी आप नया कुछ भी एक कंटेंट या एक नया स्टाइल तैयार कर पाओगे। लेकिन जब आप उसे एक साथ पहनोगे तो वो आपको एक ड्रेस का लुक देगा। आप इमेज में देखो। आई होप ये आइडियाज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।